हम हिंदुओं को उकसाएंगे, हिंदू खुद ही हमारी मूवी को हिट कर देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं शाहरुख खान के तो जाऊं ना जाऊं, अमित सैनी रोहतकी का क्या कर लिया आपने? है आप पर गोली बंदूकों की बात करते हो, मास क्या होता है, गुंडा क्या होता है, उसकी सिचुएशन नहीं, से बड़ा सस्ते कौन है? मैं अभी भी आप बात को मारे हो एक कहना एक चाहती हूँ पवन मोखरा जी के पुरुष आयोग की मांग करिए और चौधरी को भी नंगड़ नहीं आया करते। मैं समर्थन नहीं करती हूँ नवीन जैन जी आपका, किसी के किसी तरह का वहम होना निकाल। सारे भैया ना, राम राम भाई। हमारे साथ साथ भी देवा ठाकुर जी जुड़ गई हैं। अच्छा साध्वी जी, फिल्में देखती हो? हाँ सामने चल रही होती देखती हूँ, नहीं, स्पेशली कभी मन हुआ? स्पेशली किसी मूवी को लेके कुछ नहीं। एक पठान मूवी आ रही है साध्वी जी, उसके बारे में क्या कहना है? पठान हुई, पद्मावती हुई, हिंदू धर्म को टारगेट करने वाली जितनी भी फिल्में हुई, ये इस्लामिक लोग, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, इनको भली भांति पता है पहले तो ये वैष्णो देवी जाते हैं मत्था टेकते हैं, फिर ये हिंदुओं को लेके इन चीज़ों का करते हैं, इनको प्रकरण करने का पता है। हम हिंदुओं को उकसाएंगे, हिंदू खुद ही हमारी मूवी को हिट कर देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। हरियाणा के अंदर एक हिंदू टाइगर फोर्स है जो कि इस प्रकार की बगावत करती है मूवीज की, उनके बारे में क्या कह रहे, कहना चाहोगे, कैसा बहुत काम कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा हिंदू धर्म को लेके जो भी काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। दूसरी बात, विशेष तौर पर आपने कहा पठान मूवी, पद्मावती देखी, बिल्कुल। क्या था उसमें? नॉर्मल देखिए मैंने तो देखी नहीं कलाकारों साधु ने जी, मैंने तो ना कुछ। नकली, मैं ये बोलना चाहती हूँ हरियाणा के कलाकारों को, अमित सैनी रोहतकिया जानते हो, जी ऑफ कोर्स, मिले होंगे, जी जी इंटरव्यू किए बिल्कुल। नहीं, होंगे। इंटरव्यू नहीं किया, मिले अभी हैं। उन्होंने कहा कि माता खेल के एक छोरी पे, मतलब क्या था उसका दिल आया और उसमें माता खेली, क्या है वो? क्या उससे 295 नहीं होती? क्या उससे भावना याहत नहीं होती? मैं शाहरुख खान के तो जाऊं ना जाऊं, अमित सैनी रोहतकिया का क्या कर लिया आपने? शायद बात आपने बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बड़ी बात तुम्हारी कही तो है, बेटी से जाती थी। क्योंकि अगर हम खुद सनातनी होके अपने धर्म को आत करेंगे तो बाहर के तो करेंगे, उनको कैसे रोक लेंगे बिल्कुल, भाई, हम दूसरों को कैसे रोक भला लेंगे? लंगड़ा का ब्याह दी, क्या है ये गाने, क्या है ये ये तो साध्वी जी अभी आए हैं, उससे पहले तो काफी ऐसे गाने आए हैं। आप गोली बंदूकों की बात करते हो, गाने कौन प्रमोट करता है, हम लोग चलाता कौन है, आप उकसाते कौन है, आप लोग कर रहे हो ना, नहीं जी, नहीं, हमें कभी भी ऐसा कोई आपकी सॉन्ग। बात नहीं, वो सॉन्ग जो लोग लेके आ रहे हैं बदमाशी के सॉन्ग, अब एक गाना आ गया डाकू, या फिर माता खेल गी, या भला इतना पीतल, इन सब चीजों को सुनकर आप क्या कर रहे हो? बदमाशी को लेकर आपने बताया कोई बदमाशी गाने आते, बदमाशी को क्या मानते हो आप, एक गुंडे को और बदमाश को? पहले तो डेफिनेशन ही नहीं पता लोगों को, बदमाश क्या होता है, गुंडा क्या होता है, उसकी सिचुएशन क्या है, सबको हम टारगेट नहीं कर सकते। अच्छा आपने बताया कि हिंदू टाइगर फोर्स जो बहुत बढ़िया काम करने लग रही है, आपको पता है सरदार गुंडा है? नहीं, मुझे नहीं पता पहले वो कौन मैंने था। ही वो एक इंटरव्यू में किया था, कहा था कि भाई सरदारे आप गुंडा हो गुंडा और मैंने टाइटल भी यही रखा था, और वास्तव में है भी, मर्डर हमें केस है उसके ऊपर। नहीं, हमें जो आस्था रखता है या किसी भी धर्म स्थान पे जो व्यक्ति जाता है उसको पूरी परमिशन है कि धार्मिक आस्था रखना, उसका व्यक्तिगत जीवन क्या है, क्यों रहा, वो उसका निजी है, उस पर हम टारगेट नहीं साध्वी जी देवा बात सुन। ठाकुर अस्तर या शस्त्र रखती है और भरोसा इन चीजों में। मैं दोनों चीजों को कहती हूँ कि आपके दिमाग में शास्त्र, आपके पास अपनी रक्षा हेतु शस्त्र, और जरूरत पड़ने पर आपको अपनी रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। कौन सा शस्त्र रखते हो जी आप? हमारी जब जरूरत पड़ेगी ना, समय सिचुएशन आएगी, तो सब आवश्यकता आविष्कार की जननी सब उपलब्ध हो जाएगी। नहीं, जैसे जैसे दूसरी कि बात, आप पहले मीडिया वाले नहीं आए मेरे पास, बिल्कुल जी। या पहली बार मैं आपसे बातें नहीं कर रही हूँ, या पहले टाइम इन शस्त्रों की बातें नहीं हुई। आपकी जानकारी हेतु बता दूं, पिछले 2016 से लेके अब तक शस्त्रों की बात नहीं, है। योगी जी का एक इंटरव्यू हुआ था आपकी अदालत में, सब देखते हैं आपकी बिल्कुल, अदालत, रजत शर्मा जी के साथ सुमित 2016 में चला गया था। हाँ जी इंडिया टीवी जी पे, तो उन्होंने रजत रजत जी का मैं बहुत जी बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वो डायरेक्ट बात बोलते हैं और कई बार वो ऐसे क्वेश्चन लोगों से पूछ लेते हैं जिससे उनको खुद भी डर लगता है कि ये मैंने क्या पूछ लिया। तो उन्होंने योगी जी से पूछा था कि आप गन रखते गन हो, रखते हो देखिए माला भाला दोनों रखने चाहिए, तमाम हिंदुओं को रखने तो उन्होंने भी अब इतना एक अच्छा सुलझा हुआ जवाब भी दिया था कि सदियों से
जब भी किसी योगी का किसी संत का नाम आता है तो उनके साथ अस्त्र और शस्त्र का नाम भी, क्योंकि आता है। वही हमारा सिखाते थे हमारा इतिहास रहा है भगवान और परशुराम जी। हर और हिंदू को माला एक हाथ में दूसरे में भाला रखना चाहिए। नहीं, आपने ना जवाब देते देते जो आपने बात ऐसी घुमा दी, मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन सा शस्त्र रखते हो। जो हमारा मानसिक संतुलन बहुत अच्छा है, नहीं इससे नहीं बड़ा अभी शस्त्र कौन है। अभी अभी भी अभी भी आप बात को घुमा रहे हो, एक शस्त्र यानी कि पिस्तौल तलवार या क्या क्या रखते हो साथ में सेफ्टी के अरे लिए। मैं 5 फुट की एक साधारण सी सामान्य दिखने वाली आपके सामने नहीं बैठी सामान्य हूँ। नहीं दिखते, आपने गलत कह दिया है, दूसरी अट्रैक्शन जो है अलग से ही जाता है आपके ऊपर। बात यह है, हर हिंदू के दिमाग में शास्त्र और हाथ में शस्त्र होना चाहिए। शस्त्र का मतलब ये नहीं है कि आप क्या करते हो, शस्त्र का मतलब 2-3 बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, अगर माला हमारे पास है तो भाला भी होना चाहिए। अच्छा साधु जी, हर किसी की लाइफ में, मैंने बाकी पहले भी एक क्वेश्चन किया था, जवाब अभी भी नहीं चलो कोई मिला नहीं, कंप्लीट। एक साधु को हम फोर्स भी नहीं कर आई यू सकते। अंडरस्टैंड, आपको भी जी पता है मुझे भी पता साधु जी, क्या है कि हर किसी की लाइफ में किसी न किसी की, चाहे वो कोई भी हो, कोई सपोर्ट होती है, किसी के पीछे तो भगवान की ही सपोर्ट होती है। साधु विदेवा ठाकुर को किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, आपको क्या लगता है? ऐसे है इस समाज की, और मैं तो ये कहती हूँ कि 36 बिरादरी की, और मैं जाति को प्रमोट नहीं करना चाहती। हमारा जो संगठन है देवा इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट भी है, उसमें 90% जाट है, 90%। सेम जाति के लोग 10% भी नहीं है मेरे पास। दूसरी बात, मुझे समाज ने बड़ा कुछ दिया, मैं कभी निराश नहीं हूँ, मैंने कभी उफ भी नहीं की उससे पहले उपलब्ध हुआ। अब मेरा एक सवाल और है, शायद मेरा काफी सवाल आपका दिमाग में आ काफी समय गया। से मैं ये चीजें, क्योंकि काफी समय हो गया, लोगों के पास भी उतना समय नहीं कोई होता बात है, नहीं, तो साध्वी जी क्या है कि जैसे आपने एक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप किन के शिष्य हो, लेकिन अब मैं दूसरा सवाल सेम लेके आऊंगा, साध्वी देवा ठाकुर का भी कोई शिष्य है? साध्वी देवा ठाकुर। अब ये कहे कि फलाना आदमी, हरियाणा में एक भाषा होती थी, मेरा चेला और हाँ जी, हाँ जी, हाँ मेरी चेली, जी, ये बदमाश लाइन में भी होता था, लोग करते हैं और साधुओं में भी कहते हैं। साध्वी जी कभी ये शब्द ना उपयोग करेगी ना करती, बट हाँ बड़ा सौभाग्य मैं अपना मानती हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं कोई ऐसा जो आपके मन को भा गया। साध्वी देवा ठाकुर की जगह साध्वी के बाद लेगा? नहीं, मेरा अभी इस दुनिया से जाने का कोई विचार नहीं है, नहीं कभी भी एनी टाइम। और ना ही इस तरह का मैं, अगर मैं इस तरह की सोच रखती तो ऐसा नहीं है कि मैं बीमा पॉलिसियां करा के नॉमिनी बना के जाऊँ। जो है इस समाज का, इस समाज ने दिया, अगर ये धन, ये संपत्ति, ये शरीर, मेरी आंखें, मेरी बॉडी, मैं जीते जी सब डोनेट करके जाऊँ। ये जो बात आपने कही है बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो नहीं, मैं उसका टोटली फिट हूँ और टोटली ब्लड से लेके हर चीज़ एक्यूरेट है मेरे में, और हर 6 मंथ बाद मैं अपने सारे टेस्ट कराती हूँ, तो मैं बड़ी खुश हूँ कि हम ओके। आप ओके थे, आप फिट थे, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिट लेडी थी, तो आप में कभी किसी गेम के प्रति कभी उत्सुकता मैं जागी या खुद खेलने के? बैडमिंटन खेलती हूँ कभी कभी, और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं लड़कियों को भी बोलती हूँ, हाँ स्पोर्ट्स वाली बहुत लड़कियां आती हैं जिनको मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ सपोर्ट करती। तो आज भाई स्मित, अगर आपका कोई क्वेश्चन और साध्वी जी के लिए हो सारे हो तो। लिए, बस साध्वी जी से एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा मैं, कि आज हमारी जितनी भी पब्लिक देखने लग रही है उनको संदेश क्या देना चाहोगे आप? मैं ना बड़ा मन से और बड़े हृदय से, मेरे मन में ना कई दिनों से एक बात चल रही है और आपके माध्यम से बोलना भी चाहती हूँ। आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं और हरियाणा की तो जो क्रीम है ना आज की डेट में, वो पवन मोखरा को, आपको, चाहे रेखा महाराणा की बात हुई, चाहे वो कौन थी, अंजू अंजू थी, चौधरी। चाहे वो एक पाखंडी साध्वी थी, साध्वी तो नहीं थी, पाखंडी औरत थी, 5-6 बच्चों की माँ, चाची हमारी वो, और कई ऐसे मुद्दे जो आपने उठाए और आपको बड़ा डीपली लोगों ने देखा, कमेंट्स किए, और आप भी वेट भी करते थे कल क्या होगा। कल क्या होगा? बिल्कुल सास बहू के नाटक को छोड़ के जो इस चीज में आपको आगे देखते हैं, रहे। मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये हरियाणा को जो दूषित करने वाले लोग हैं ना, चाहे तो वो सॉन्ग के माध्यम से, चाहे वो ऐसी स्टोरियों के माध्यम से, हरियाणा के अंदर एक शर्म, हया, पर्दा, प्रथा, सम्मान, रिश्तों की गरिमा, वो जो खत्म कर रहे हैं ना ये लोग,
इनके ऊपर एक कड़ा प्रहार करो, आप लोग इनके गानों का विरोध करो, आप लोग इनकी जो ये गंदगी फैला रखी है इनका विरोध। बिल्कुल जी, उसमें भी लगे हुए हैं हम, जैसे कि क्या करे, ऐसे मामले आते हैं, देखो, दिखाने पड़ते हैं लोगों की ऐसी आंखें खोलने औरतों के लिए। को जूते मारो घेर के, ताकि वो फिर किसी और के, हर बार आदमी गलत नहीं होता, बिल्कुल जी, औरतें भी गलत होती बिल्कुल हैं। जी, अभी जूते मार देंगे तो जी हमारे रास्ते मैं आपको आएंगे। कहना चाहती हूँ पवन मोखरा जी, के पुरुष आयोग की मांग करिए, जो रोज करते हैं, जरूरी है। रखे हैं, रोज करते हैं साध्वी जी। जी रोज करते हैं। मैंने 2016 में बोला था कि पुरुष अपना दुकान सुनाए, पुरुष आजकल महिलाओं से बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं, हैं। हम तो डरे बिल्कुल। हुए हैं, पीड़ित नहीं, मैं आपको बताऊं, हम तो डरे हुए आज के हैं। दिन हम आपको बताना चाहेंगे, सुमित चौरान और पवन मलिक मोखरा की अगर कोई काट है तो या वे जो महिलाएं हैं जो कि गंद फैला रही हैं वो ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये नहीं, है, देखो सही ना? एक बात, मैं छोटा भाई है, मैं इसकी तरफ से कहना चाहूंगा, मातृ शक्ति की हम बहुत ज्यादा नहीं, रिस्पेक्ट करते वो तो हैं भावी नहीं है आपका, जी। बट मैं आपको इस बात में सपोर्ट करती हूँ कि इस गंदगी को समाप्त करना पड़ेगा। इन महिलाओं की वजह से आम सामान्य जो जीवन है ना, उस पर भी दो प्रभाव पड़ तीन रहा है। नाम आपने लिए, मैं उनको एक्सपोज करना चाहूंगा। सबसे पहला आपने नाम लिया रेखा मेहराना। जब रेखा मेहराना का कोई मैटर आया तो हम गए हाँ थे, एक दो वीडियो ही हमने बनाई थी, और सबसे पहले रेखा मेहराना सुखविंदर खोखा को लताड़ने का काम आपने मैंने किया। किया था। मैंने सुमित उसको, को तो मैंने उसी समय देखा, और बधाई हाँ के पात्र हैं कि ऐसी गंदगी को आपने दो चार नहीं बल्कि संवारना चाहिए था। और वो हमने समारा कैसी, आपने उसको ध्यान उस नहीं दिया दिन शायद, फर्स्ट टाइम मैंने सुखविंदर उसको को एक का बात पीटर क्या बोली है। थी साध्वी जी, कि जिस तरीके से आप इस लड़की को प्रमोट कर रहे हो, आप अपनी बेटी को, हाँ, अपनी, अपनी बहन को कर हाँ सकते हो। उनको प्रमोट करो। उसके बाद हम वहां नहीं गए, एक दिन पंचायत में गए थे, उस दिन भी उसकी बहन को, उसके पूरे परिवार को लताड़ के हम वहां, क्योंकि हम नहीं, व्यू के लिए काम नहीं बिल्कुल करते साध्वी जी। दूसरी समझा। बात, दूसरी बात ये, सारा काम छोड़ के एक तो हरियाणा में ये जो गंदगी गानों ने फैला रखी है ना, नंगड़ा का ब्यादी, भला छोरी में जागरण में माता खेल गई, इनके ऊपर भी पर्चे दर्ज हमने किए देखो हैं। नंगड़ा का गाना तो ईसा आया जी, मैं तो इकाल ब्याह में एक बार भी ना चेक होने बात ही आती। तीसरा गाना घूम की नंगड़ा का ब्याह, मगर भाई हम नंगड़ नहीं हम तो देखो हाँ। नाचना कूदना हम किसी को बैन नहीं करते, लेकिन हमारे चैनल पे भी पांच चार गाने हैं, लेकिन उनके व्यू नहीं आए, क्योंकि हमने, मैंने शोक कबड्डी खेलन का बनाया, हमने चौधरी छोटराम जी के ऊपर हाँ गाना बनाया, हमने सामाजिक गाने बनाए, लेकिन उनको लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ लोगों को ये एंटरटेनमेंट चाहिए हरियाणा चौधरियों का प्रदेश है, जी। और चौधरी कभी नंगड़ नहीं होया करते। जब नाचे को नहीं चौधरी कदे नंगड़ नहीं होया करते, हरियाणा चौधरियों का है। और इस चौधर में भी अगर थाने कोई नंगड़ कह जर, तुम सुनो, उससे बड़ा नंगड़ कोई कोई। क्या बात है थैंक यू, आपने छोटे। बहुत बड़ी बात कही, और साध्वी जी ने जो एक बात कही है भाई, मेरे जो साथी हैं जिनके हाथ में ये माइक है, चाहे वो अपने आप को पत्रकार समझें, सोशल मीडिया वाले समझें, वीडियो क्रिएटर समझें, और वो किसी भी फॉर्मेट पे वीडियो बना के डाल रहे हों, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है भाई, सामाजिक काम करो। कई लोग हमें साध्वी जी कॉल करके बोलते हैं कि भाई आप ये फैमिली मैटर क्यों दिखाते हो। साध्वी जी हम, हमारे पास जब कोई कॉल आती है तो मैं कॉल पे ही उसको समझाता हूँ, भाई सोशल मीडिया पे मत आ। नहीं, सो हाँ डिफरेंट मारे है। जान पे उजड़े हो रहे हैं फालतू। मैं एक चीज देखती हूँ आप में, आप कभी भी उस तरीके से पैसे लेके प्रोफेशनल तरीके से ड्रामाबाजी मीडिया की, कई लोग जो करते हैं वो आप नहीं करते हो, वो एक आपकी ग्रेटनेस है। मैंने हमेशा आपको वॉच किया है। तो भाई आज हमारे साथ हम साध्वी देवा ठाकुर, साध्वी देवा ठाकुर के पास आए थे, उनके धाम पे, देवा धाम पे स्पेशली। मैं एक विशेष बात और निवेदन करना चाहती हूँ हरियाणा प्रदेश के लोगों से। राजनीति तो देखो बहुत गंदी हो चुकी है, पर राजनीति के नाम पर, मैंने कल नवीन जय हिंद को सुना, मैं समर्थन नहीं करती हूँ नवीन जय हिंद जी आपका, पर आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को खट्टर सुन इस भाषा का प्रयोग करना भी कहीं ना कहीं उचित नहीं है। अगर सभी लोग इस तरह करने लगे तो सब खत्म भी हो मर्यादा सकता है। खत्म हो जाओगी, किसी भी चीज की मर्यादा खत्म हो जाओगी। गरिमा में रहना चाहिए। दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश की सरकार मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ी मासूमियत बरतती है। आप जेल में से कॉल करते हो, आपके ऊपर तो एक पर्चा और बनता है, वो भी करना चाहिए। देखिए वो कानून बातें हैं और सरकार सब चीजें देखने लाग रही है, हम वापस साध्वी जी के इंटरव्यू में आ जाते हैं। तो साध्वी जी, जो आज आपने हमें जो समय दिया ना, फर्स्ट टाइम हम दोनों आपके पास, आपके दर्शन हुए, भगवान ने आपसे मिलवाया, तो साध्वी जी जिस तरीके से हमने जो भी पूछा आपने बड़े शील स्वभाव से उसका जवाब दिया, और देखिए आप एक संत हो और हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम किसी संत से मतलब बहस कर सकें या कोई ऐसी जिद लगा सकें कि आप ऐसा करो या ऐसा बताओ।
अगर आपको हमारे व्यवहार में या हमारी बातचीत में कुछ भी अगर ऐसा लगा हो तो देखिए, हम साधुओं के देश में पैदा हुए हैं और ये साधुओं का देश है, हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगना नहीं चाहेंगे। नहीं बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीष आशीर्वाद। और मुझे आपका ये जो वाला नेचर है, महंत जी के कदमों में जो देखा मैंने आपका भाव, तो वहाँ से ही मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि आप रियल हो। नहीं, ये साधुओं का देश है और संतों के आशीर्वाद से हमारी धरा टिकी हुई है, ये हमारे सनातन धर्म में मान्यता है। संतना होते तो कटमर जल जाता संसार। जी तो जी, साध्वी जी, एक बार फिर पुनर् हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर हमने कोई गलती कर दी हो नहीं 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 तो नहीं बहुत बहुत अच्छा माफ लगा। करना और हमें। ये सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक बातें हैं ना, मैं कंदराओं में रहती, ना आप गुफाओं में रहते हैं, यही अन्न जल सब खाते हैं, तो यहाँ का नेचर भी हम सबका। बिल्कुल, तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का साध्वी जी के लिए, तो हम दोबारा से फिर भी पहुँचेंगे और आपको टाइम देना पड़ेगा जनता के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, आप तो आपने पूछा मैंने बताया, किसी के किसी तरह का वहम होना निकाल लो। निकाल लो भी, साध्वी जी तैयार है भाई। और भाई हम भी तैयार हैं, आप कमेंट करना और मैं हर कमेंट को डीपली पढ़ता हूँ कि किसी ने अगर कोई मेरे को गाली भी देता ना तो मैं सोचता हूँ यार इसने वीडियो तो पूरी देखी है, इस वीडियो में इसने कोई चीज़ खास निकाली है। देखिए दोस्त तो छोड़ सकते हैं वीडियो देखना, दुश्मन नहीं छोड़ सकते। चलो बिल्कुल जी। तो देखो, इस हरियाणा में और उत्तर भारत में मैं एक बात कहना चाहूँगा भाई, दुश्मना के ऊपर है ना हमारे दोस्ता की संख्या भारा पड़ा है, हाँ अपना डरते बा क्या है। सारे भैया ने भाई राम राम, और साध्वी जी आपको भी हमारा प्रणाम। जी, जय श्री आदेश राम। आदेश सारे आदेश भैया ने राम राम भाई, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो सत्य जय। में हो जय।